हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सोलर सिस्टम तो लगा लिया है, बट दोस्तों उनको समझ नहीं आ रहा है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा ये चीज़ कि दोस्तों ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, और किस प्रकार जो हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है उससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सावधान हो जाइए। यदि आपने 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लगा रखा है, तब भी दोस्तों आपका जो बिजली का बिल है वो कुछ भी कम नहीं होगा। अगर आपको कम करना है तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक मैं बताऊंगा, उनको फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, अगर मैंने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम घर पे लगा रखा है तो जनरली मानते हैं कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम 4 से 5 यूनिट बिजली पर डे देता है। बट दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि आपने ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रखा है तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम हो सकता है कि एक आधी यूनिट दे, 1 यूनिट दे, 2 यूनिट दे, 3 यूनिट दे। ये सब कुछ डिपेंड करता है, आप खुद पे डिपेंड करता है आप सोलर सिस्टम को किस प्रकार यूज करते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे जो लोग देखे हैं कि सर हमने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लिया, 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लिया, हमारा सोलर सिस्टम प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा है, बहुत कम आउटपुट दे रहा है, या एक दिन में 1 या 2 यूनिट दे रहा है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से हर एक जो जिन्होंने अपने घर पे सोलर सिस्टम लगाया है हर एक व्यक्ति गुजरता है। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ग्रिड पर डिपेंड नहीं करता है। अगर ग्रिड नहीं आ रही है तब भी वो काम करेगा। अगर मान लो आपका लोड सबसे पहले सोलर से चलाएगा, अगर सोलर की एनर्जी भी कम पड़ रही है तो बैटरी से एनर्जी लेगा। तो इस प्रकार बैटरी प्लस सोलर को मिक्स करके दिन भर आपके घर का सोलर का लोड चलाता है, और साथ में बैटरी भी, अगर मान लो सोलर से ज़्यादा एनर्जी बन रही है तो सोलर से आपका घर का लोड चलाएगा, साथ ही बैटरी भी चार्ज करेगा। जब रात को लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो दोस्तों उस टाइम फिर हम बैटरी को यूज कर सकते हैं। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हम रात को भी एनर्जी यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों उसके लिए आपको चाहिए बैटरी, और बैटरी काफ़ी कॉस्टली होती है सोलर सिस्टम में। और दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम यदि आपको अच्छे से यूज़ करना है, फुल्ली यूटिलाइज़ करना है, तो दोस्तों आपका जो बैटरी बैंक है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। अगर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया, मैंने 3-4 फैन मेरे घर पे चलते हैं, तब भी दोस्तों मुझे लगभग 300 या 200 से ऊपर एज का बैटरी बैंक रखना चाहिए। अगर दोस्तों कोई भी अगर सोलर सिस्टम लगवा रहा है तो प्लीज़ उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग में ही अपना बैटरी बैंक बड़े से बड़ा रखिए, ताकि हो सके तो आप दिन रात उसी पर ही लोड चला पाओ, दिन में सोलर पर रात में बैटरी पर, ताकि बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो, फिर दूसरे दिन वापस से बैटरी सोलर से चार्ज हो। अगर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैंने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और मैंने बैटरी बैंक बहुत छोटा सा लगाया है, तो दोस्तों उस केस में यदि मैं दिन में लोड चलाऊँगा तो ही मुझे आउटपुट मिलेगा, वरना, और मेरी बैटरी सुबह सुबह ही चार्ज हो जाएगी क्योंकि बैटरी बैंक छोटा सा, अगर मैं दिन भर लोड चलाऊंगा तो ही मुझे आउटपुट मिलेगा, वरना मेरा सोलर सिस्टम 1 यूनिट भी नहीं देगा। देखिए सीधा सा मैं तरीका बताता हूँ कि मेरा सोलर सिस्टम आपने देखा होगा, मेरे पुराने वीडियो भी आप देख लेना। तो दोस्तों अगर मैं बिल्कुल भी लोड नहीं चलाता तो उस टाइम सोलर से आते हैं 40 वोल्ट के समथिंग आते हैं, क्योंकि मैंने UTL गामा प्लस 1 KVA लगाया हुआ है और 2-2 पैनल की सीरीज बनाई है, 12 वोल्ट वाले मेरे पास पैनल है। तो यदि मैं बिल्कुल भी लोड नहीं चलाऊंगा तो उस टाइम सोलर से वोल्टेज आएंगे 40 और एम्पियर आएंगे 1 या 2, मतलब 40 वाट के समथिंग एनर्जी आती है सोलर से। अब जैसे ही मैं लोड ऑन करूंगा, मान लो मैंने एक फ़ैन ऑन कर दिया, तो दोस्तों वोल्टेज धीरे धीरे कम होगा, वहाँ पे 35-36 वोल्ट हो जाएगा, 6-7 एम्पियर हो जाएंगे। फिर और ज़्यादा लोड चलाऊँगा तो और ज़्यादा वोल्टेज कम होंगे, जो सोलर से आने वाले वोल्टेज है वो लगभग 32-33 वोल्ट हो जाएंगे और एम्पियर हो जाएंगे यहाँ पर 15-20। अब दोस्तों अगर मैं पूरे घर का लोड ऑन कर दूंगा तो दोस्तों उस टाइम मेरे सोलर के से सोलर पैनल से आने वाले वोल्टेज 28 या 29 वोल्ट रह जाएंगे, और जो एम्पियर है वो 25 एम्पियर, मतलब कि 1000 वाट के पैनल 700 वाट तक मुझे एनर्जी दे दे रहे हैं।
अगर दोस्तों आपने भी बड़े से बड़ा सोलर सिस्टम लगाया है तो आपका सोलर सिस्टम आउटपुट नहीं देगा। कब तक नहीं देगा? जब तक आप उस पर अच्छे से लोड नहीं चलाओगे। देखो दो तरीके, या तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड चलाओ या फिर आप बड़ा बैटरी बैंक रखो ताकि जब भी आप मान लो कम लोड भी चलाओ तो बाकी की एनर्जी वेस्ट नहीं हो, आपकी बैटरी में स्टोर हो जाए। देखिए दोस्तों, ऑफग्रिड सोलर सिस्टम का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको एनर्जी तभी मिलेगी जब आप यूज़ करोगे, वरना सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अगर दोस्तों मान लो मैं लोड भी नहीं चला रहा और मेरी बैटरी भी फुल चार्ज है तो मुझे आउटपुट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है ऑफ ग्रिड में। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको एनर्जी का आउटपुट तभी मिलेगा जब आप उसको यूज करोगे, नहीं तो सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसको यूज़ करने का तरीका, या तो आप दिन भर लोड चलाओ या बड़ा से बड़ा बैटरी बैंक रखो ताकि जब भी आप लोड नहीं चलाओ तो सारी की सारी एनर्जी बैटरी में स्टोर हो जाए और रात को उसको हम यूज़ कर पाए। तो सभी भाइयों से निवेदन है जो भी ऑफग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, जो गाँव में रहते हैं, बड़े से बड़ा बैटरी बैंक रखो और उस बैटरी को आप रेगुलर यूज़ भी करो ताकि फिर दूसरी सुबह वापस से आपकी बैटरी चार्ज हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। और जो भी भाई लोग सिटी में रहते हैं तो दोस्तों उनको क्या करना है, उनको ऑनग्रिड सोलर सिस्टम लगाना है। ऑन ग्रिड में जो सोलर पैनल की कैपेसिटी है उसका 100% यूटिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने दोस्तों यदि आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे लाइट बहुत कम जाती है तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हो। ऑन ग्रिड में देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपके पैनल का 100% यूटिलाइजेशन होता है। मतलब 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम होगा तो 4 से 5 यूनिट 100% देगा ही देगा। वहाँ पे क्या है कि अगर मान लो आप लोड नहीं चला रहे तो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो जाएगी वो ग्रिड में चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हम बाई डायरेक्शनल मीटर है वो लगा के रखते हैं। तो बट इसमें डिसएडवांटेज भी है कि लाइट जब नहीं आएगी तो ये सोलर सिस्टम काम नहीं करता है। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों यदि आपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रखा है तो बिना ग्रिड के ये काम नहीं करता है और रात को आप बैकअप नहीं ले सकते बैटरी से। अगर लाइट चली गई रात को, मान लो लाइट चली गई तो आपको बैटरी में एनर्जी स्टोर है ही नहीं, तो दोस्तों वहाँ पर आपको कोई भी बैकअप नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये इसका डिसएडवांटेज है, और इसका एडवांटेज है कि 100% यूटिलाइजेशन होता है सोलर पैनल की कैपेसिटी का। तो दोस्तों ये तो इसका फ़ायदा है और ये इसका नुकसान है। और दूसरा एक और फ़ायदा है कि इसमें बैटरी हमें लगानी नहीं होती, तो बैटरी काफ़ी कॉस्टली होती है, तो दोस्तों बैटरी का कॉस्ट भी बच जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिस सर जिन्हें ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों का मिक्सर चाहिए तो वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम पर जा सकते हैं। दोस्तों हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर आते हैं जो कि थोड़े महंगे होते हैं, बट हाइब्रिड इन्वर्टर में क्या है दोस्तों, वहाँ पर दोनों सिस्टम होते हैं। मतलब कि अगर मान लो आप लोड भी नहीं चला रहे और बैटरी भी आपकी फुल चार्ज है तब भी दोस्तों आपको फुल आउटपुट मिलेगा ऑफ ग्रिड में, इसके बाद वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, बट इसमें वो बाकी की एनर्जी ऑन ग्रिड की तरह ग्रिड में चली जाएगी। और जो दोनों के डिसएडवांटेज है, मतलब ऑफ ग्रिड का डिसएडवांटेज है कि जब भी आप एनर्जी यूज़ नहीं करोगे सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, बट दोस्तों हाइब्रिड में ऐसा नहीं है, अगर आप यूज़ नहीं करोगे सारी की सारी एनर्जी ग्रिड में चली जाएगी। और जो ऑन ग्रिड का डिसएडवांटेज है वो बिना ग्रिड के काम नहीं करता है, वो भी दोस्तों ये कंप्लीट करता है हाइब्रिड सिस्टम, ये बिना ग्रिड के भी काम करता है क्योंकि इसमें बैटरी भी लगती है, इसलिए इसका कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि हमें बाई डायरेक्शनल मीटर भी लगाना होता है, साथ में बैटरी भी लगानी होती है। तो दोस्तों सोलर सिस्टम के लिए ये एक फुल गाइड वीडियो था, और दोस्तों इस वीडियो को समझ के ही सोलर सिस्टम लगाना है, और जो भी भाई ऑफग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं बड़ा से बड़ा बैटरी बैंक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।